हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो, यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे ही इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमेनिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को, तो 25 को हम सारे राशन वाशन की लाइन में लगे, हमें लगा कि एक हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया, और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने की।